अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपने फ़ोन के डायल पैड में अपनी फ़ोटो लगाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपने देखना है एंड तक। वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इसी तरह की और भी न्यू वीडियोज़ मिलती रहें। तो फ्रेंड्स, इसी वीडियो के नीचे आपको एक लिंक मिल जाएगा एक एप्लीकेशन का, वहाँ से आपने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। इस एप्लीकेशन का नाम है कॉन्टैक्ट्स। तो आपके मोबाइल में जो फ़ोन और कॉन्टैक्ट्स है आपने इसे रिमूव कर देना है जो आपके पास पहले से हैं। तो इस एप्लीकेशन को आप जब इंस्टॉल करेंगे तो इस एप्लीकेशन का नाम है कॉन्टैक्ट्स, ठीक है। जब आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे तो ये आपको एक और एप्लीकेशन प्रोवाइड कर देगा जिसका नाम है फ़ोन। तो आपने इस एप्लीकेशन को ओपन करना है फ़ोन को, ठीक है, फ़ोन को आपने ओपन करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने अपनी एक फ़ोटो लगाई हुई है, तो आप भी इस तरीके से अपनी फ़ोटो लगा सकते हैं। तो आपने करना क्या है, ये थ्री डॉट हैं इस पर आपने क्लिक करना है और सेटिंग पे क्लिक कर देना है। उसके बाद पैरानालाइज सेटिंग पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से अगर आप चाहते हैं कि थीम आप स्टाइल चेंज कर सकते हैं। उसके बाद फॉन्ट स्टाइल है, ठीक है। उसके बाद आपने डायल पैड बैकग्राउंड पर क्लिक करना है। उसके बाद गैलरी पर आपने अपनी गैलरी में से वो पिक्चर सेलेक्ट कर लेनी है जो आपने अपने डायल पैड में लगानी है। तो मैं यहाँ से एक पिक्चर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप यहाँ से इसे क्रॉप कर लीजिए जितनी आपने डायल पैड में लगानी है। तो मैं इतनी क्रॉप कर लेता हूँ। उसके बाद ऊपर ओके का ऑप्शन है, आपने इस पर क्लिक कर देना है और ये आपके डायल पैड में लग चुकी है। बैक आते हैं, देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दोबारा मैंने फ़ोटो लगाया और ये अब यहाँ पे लग चुका है। तो आप इसी तरह से अपने डायल पैड में फ़ोटो लगा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको किस तरह की ये वीडियो लगी। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।